हाय फ्रेंड, फ्रेंड्स कैसे हो सभी। मैं आज आपके आगे एक वाटर हीटर लेके आया हूँ। ये वाटर हीटर है, ये थ्री फेज का वाटर हीटर है। हमारे पास सिंगल फेज का भी वाटर हीटर आते हैं, थ्री फेज के भी वाटर हीटर आते हैं। सबसे पहले ये हमारा 6 किलो वाट का है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हमारा 6 किलो वाट का है, देखो आप देख सकते हो, ये 6 किलो वाट का वाटर हीटर है। तो मैं आज इसकी कनेक्शन करना सिखाऊंगा, थ्री फेज के कनेक्शन वाटर हीटर में कैसे करते हैं, और अगर आपका हीटर जल गया है या फूक गया है तो उसे आप कैसे चेक करें। सबसे पहले उसका चेक कैसे करते हैं, मतलब हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करें कि हमारा हीटर ठीक है या नहीं है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारी तीन कॉइल हैं, तीन कॉइलों का अलग अलग हीटर है। एक कॉइल हमारी जैसे ये हो जाएगी, दूसरी कॉइल ये हो जाएगी, थर्ड कॉइल ये हो जाएगी। तीन कॉइल है हमारी इसमें, क्योंकि हमारा थ्री फेज का है। अगर हमारा थ्री फेज का है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूट्रल सबको तीनों को कॉमन कर देना है, और आर वाई बी अलग अलग फेज दे देने हैं। ये तो खाली सिंपल हो गए आपके थ्री फेज के हीटर के। अगर सिंगल का है तो 220 आपको सप्लाई देनी है, तो प्लस माइनस 220 दे दोगे, तो ये सिंपल आपकी वायरिंग का कनेक्शन है। पर मैं आपको कनेक्शन बताना चाहता हूँ कि इसका अगर ये जल गया है तो कैसे चेक करें। सबसे पहले आपको ये हमारे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में हम आपको लगा के दिखाएंगे कंडक्टिविटी में। सबसे पहले फ्रेंड आपको ये चेक करना पड़ेगा इनमें कॉइल कौन कौन सी है। आपको ये क्या पता कि कौन सी कॉइल कौन सी से मैच करती है, कहीं आप गलत कर दो। सबसे पहले आप कंडक्टिविटी लगा के आप मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हैं कि बीप बजेगी दोनों कॉइलों पे, एक कॉइल जो होगी उस पे बीप बज रही है। देखो आप, ये बीप बज रही है, और रेजिस्टेंस 3.7 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है आपका। अगर आप देखोगे और किसी में नहीं बजेगी आपकी ये बीप, खाली एक कॉइल जो आपकी कॉइल है उसमें बज रही है। और अब ये देखना है कि आपको अगर ये हीटर ठीक है तो आपका तीनों का 3.7 रेजिस्टेंस मतलब ओम आना चाहिए या आ रहा है, तो आपका मतलब ये हीटर आपका ठीक है। जैसे मेरा देखो, आपका 3.7 आ रहा है, मैं ये फर्स्ट कॉइल का ये मैंने देखा तो ये ठीक है आपकी कॉइल। मैं सेकंड कॉइल का देख रहा हूँ तो उसका भी 3.7 तक आ रहा है, मतलब 19-20 का अंतर हो सकता है पर सेम आ रहा है, तो ये कॉइल भी आपकी ठीक है। थर्ड कॉइल अगर मैं देखता हूँ तो थर्ड कॉइल का भी आपका देखो 3.7 आ रहा है, तो मतलब इसका भी आपका ठीक है। अगर जब आपका जब हीटर शॉर्ट हो जाएगा या फूक जाएगा तो आपको ये क्या तो आपको दिखाएगा ही नहीं, या बीप नहीं बजेगा, या रेजिस्टेंस भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी रेजिस्टेंस दिखा देता है, वो लीकेज करंट हो जाता है, तो उसमें भी आपका हीटर नहीं काम करेगा। अगर आपका रेजिस्टेंस बता रहा है और हीटर आपका नहीं काम करेगा फिर, और अगर आपका बिल्कुल ना बीप बजा रही है ना रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो मतलब आपका जो कॉइल है, जो बीच में से कॉइल है, वो कहीं से शॉर्ट हो गई है, फट गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।